इससे अखिलेश यादव के बारे में कोई भी बात करना मैं उचित इसलिए नहीं समझता कि अखिलेश यादव जो बचपन से हम लोग हमारे पिता बाबा पर बाबा आप सब लोगों ने सुनी होगी फूंक के चाटने वाली कहावत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी मूर्खता को उनकी संवेदनहीनता को दर्शाने का काम करता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे, और फिर जो इस देश के वैज्ञानिक इस देश के डॉक्टरों ने पूरा भूमंडल विश्व का कोरोना से कराह रहा था, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे डॉक्टरों ने इतनी तेज कोविड का टीका ईजाद किया और आज हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगा चुके हैं। पहले कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुलायम सिंह जी को कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ने का काम किया, उन्होंने खुद वैक्सीन लगाई तो फिर वो फूंक के चाटने वाली कहावत सच हुई, उन्होंने कहा नहीं वैक्सीन लगवाना चाहिए। ऐसे ही आप देखिए टोटी, जैसे टोटी का नाम ले लें, टोटी का सिंबल आए तो अखिलेश यादव ऑटोमेटिक आदमी बोल देते हैं। इसी तरह से जिन्ना को इस राष्ट्र का महापुरुष बनाकर कहो वोट की लालच में, पता नहीं कौन सलाहकार है उनका कि वोट के लालच में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज को वोट हमको कैसे मिल जाए, कल ओसामा बिन लादेन को भी अपने पिता की संज्ञा दे सकते हैं या इस राष्ट्र के पिता की संज्ञा दे सकते हैं, उनकी बात ऐसी है इसलिए उनकी बात का कोई भी जवाब देना ठीक नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को इन लोगों ने ठगने का काम किया, कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके समाज के बच्चे मुख्य धारा में जुड़े, पंचर बनाए, स्कूटर मिस्त्री बने, एसी के मिस्त्री बने, हमने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। Thank you.